कासगंज जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। 19 साल के उम्र के सगे भाई संजू ने रिश्तों को कलंकित कर दिया। अपनी नाबालिग बहन के साथ न केवल दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया बल्कि राज खुलने के डर से उसकी गला दबाकर निर्मम हत्या भी कर दी। अब कासगंज पुलिस ने कातिल संजू को अरेस्ट कर लिया है। विगत 3 फरवरी 2024 की आधी रात घर में सोई अपनी 17 वर्षीय बहन के साथ 19 वर्षीय भाई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस बात का पता किसी को लग न जाए इस डर से उसने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। इस बात का खुलासा आरोपी ने गिरफ्तार होने के बाद पुलिस पूछताछ में किया। पटियाली कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोविंद बल्लभ शर्मा ने बताया कि इस पूरे मामले में किशोरी के चाचा ने 4 फरवरी 2024 को अपने भतीजे संजू कुमार के खिलाफ तहरीर दी थी। तभी से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके पिता की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। वो अपनी माँ और अपनी बहन के साथ गांव में ही दूसरे मकान में रहता है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसकी माँ विगत 3 फरवरी को उसके फूफा के यहाँ गई थी। घर में वह और उसकी बहन अकेली थी। मोबाइल में अश्लील वीडियो देखने के बाद उसने अपनी बहन के साथ दुष्कर्म किया। बहन किसी को बता ना दे इस बात के डर से उसने बहन की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल बरामद किया। मोबाइल से पुलिस ने अश्लील वीडियो भी बरामद किए। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।